अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब लोग अच्छे से होंगे। जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं, मैंने वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आज की वीडियो भी समर से रिलेटेड, एक बहुत ग्लो अप वाली, पोर मिनिमाइजिंग वाली, ब्लैक हेड रिमूव वाली, स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन वाली, बहुत होम रेमेडीज़ के साथ एक डिटेल वीडियो है। और मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ अपने चैनल पे, जो लोग न्यू दे रहे हैं शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ फटाफट, कि मैं अपने चैनल पे केमिकल फ्री चीज़ें बताती हूँ, मैं केमिकल्स के अगेंस्ट हूँ। दूसरे नंबर पे मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं बहते इंसान यूट्यूब पर लाई हूँ, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब की आज तक अर्निंग देखी नहीं खोल के। मैं बावजूद वीडियो बनाती हूँ, मुझे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, मुझे स्किन केयर पर 5 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज आप लोग को कन्वे करने आई हूँ, क्योंकि ये सदका जारिया बन जाएगी। दूसरे नंबर पर मैं हर वीडियो में यूट्यूबर्स के भी आगे हाथ जोड़ती हूँ और लोगों के आगे भी हाथ जोड़ रही हूँ। खुदा के लिए केमिकल्स चीज़ें बताना छोड़ दें, हम तो यूट्यूबर हैं, अल्लाह के आगे जवाब दे हैं। और लोगों से भी कहा है कि बस कर दें, थोड़ी अवेयरनेस बहुत हो गई है, इतनी अवेयरनेस दे दी है, केमिकल चीज़ें रातों रात गोरा, दिन में गोरा होना छोड़ दें। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन को ख़राब कर रही हैं। तभी आजकल एक्नी बढ़ गई है, मुझे एक्नी पे बहुत एक्सपीरियंस है, स्किन स्क्रीन पे आपको मेरी एक्नी शो हो रही है। 3 दफ़ा मैंने एक्नी को बीट किया है, क्रिस्टल केयर स्किन की है, और हज़ारों लोगों की एक्नी स्कार, पिगमेंटेशन, मलाजमा को और डैमेज स्किन को इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने ठीक किया है। आप लोग भी इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन मैसेज देती हूँ कि जिन लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है वो आए इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम पर बात करती हूँ, जवाब भी देती हूँ, जो क्वेश्चन है, जो इशू है, आई मैं आपको मदद करूँगी। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे ही डिटेल, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और मुखलिस रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि मजीद लोगों को समर्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। बीच में और भी एक एडिशनल बात बताऊंगी, जो लोग न्यू देख रहे हैं वो सुन लें, ठीक है? तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अच्छा, पहली बात यह है कि मैं आज समर केयर होम रेमेडीज़ के साथ बताने वाली कि आप होम रेमेडीज़ के साथ कैसे कैसे 3 स्टेप्स में अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती, और मैं साफ बात करती हूँ कि जो स्किन पे होती है, स्किन कभी भी ना रेमेडी से, ना खाली प्रोडक्ट से, ना खाली किसी भी कह लो कि एक फेस वॉश से ठीक होती है, स्किन को प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। ये अवेयरनेस अपने चैनल पे दे रही हूँ। हमारी बॉडी किस, अगर हमारी बॉडी क्या क्या होता है, हम खाते भी हैं, हम पीते भी हैं, तब जाके हमारी बॉडी, हम एक्सरसाइज भी करें तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। ऐसा नहीं होता कि हम खाली पानी पी के ही जिंदा हैं। लेकिन स्किन के मामले में हम क्या करते हैं, खाली एक क्रीम से डिपेंड, खाली एक रेमेडी से डिपेंड, खाली एक सीरम से या फेस वॉश से डिपेंड। ऐसा नहीं होता, ना एक्नी में, ना फ्रैकल्स में, ना छाइयों में, ना झुरियों में, ना निशानात में, ना डैमेज स्किन में। आपको प्रॉपर, अच्छा आप लोग को स्क्रीन पे मेरा थंबनेल शो हो रहा है, ये वीडियो मैंने बनाई थी समर केयर के ऊपर, कि समर केयर में एक्नी वाले, पिगमेंटेशन वाले, डैमेज स्किन वाले, वाइटनिंग के लिए एक एक चीज़ रख के मैंने दिखाई थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो खुदारा इन चीज़ों के साथ लाजमी देखें। ये मैं बताऊँगी ये कैसे यूज़ करनी है, वो चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ करने वाली हैं। वो मेरा 4.5 साल का निचोड़ है कि वो प्रोडक्ट्स हर स्किन टाइप के हिसाब से, प्रॉब्लम के साथ मैंने बताया है कि वो लाजमी देख लें। उससे आपको समझ जाएगी कि आपने डेली केयर कैसे करनी है, क्या सीरम यूज़ करना है, कौन से स्किन टाइप के प्रॉब्लम वाले लोगों ने कौन सी क्रीम, कौन सा फेस वॉश, कौन सी क्या चीज़ अपने यूज़ करनी है। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो मिल जाएगी, लाजमी देखिएगा। आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरी वीडियो आप कहीं से स्किप मत कीजिएगा, ये मैं आपको दावे से कह रही हूँ। हर बात थोड़ी इन्फॉर्मेशनल मिलेगी, मैं बड़ा मुखलिस होकर बोलती हूँ और मुझे कोई लालच नहीं है अपने चैनल से 1% भी। तो 3 स्टेप्स में आज आप लोगों को बयान करना चाहूँगी कि 3 स्टेप्स में आप स्किन को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो समर्स में आप लोगों को पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जी, ऑयल बहुत आ रहा है, पसीना बहुत आ रहा है, मैम पोर्स बहुत ओपन हो गए हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड बहुत बन गए हैं। वीडियो वो लाजमी देख लीजिएगा, उससे मैंने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बताई हैं, वो भी ज़रूरी हैं। ये होगी आप वीक में 2 से 3 दफ़ा ये सारी चीज़ें लाजमी करेंगे, तो समर में आपको इतना ग्लो आ जाएगा स्किन के ऊपर कि आप खुद कहेंगे मैम वाकई बड़ी ग्लो। इवन फर्स्ट दफ़ा जब आप ये करेंगे, फर्स्ट टाइम में बहुत ग्लो आएगा, और साथ साथ आपको वो चीज़ें भी फॉलो करनी होंगी। मैं झूठ नहीं बोलती चैनल पे कि इस फैशन ने तो धूम मचा दी, यूं हो गया, भाई जितनी बात है मैं उतनी ही करती हूँ, मुझे किसी का ना डर है, मुझे डर है तो सिर्फ अल्लाह का है कि मैंने आगे जवाब दे होना है। तो पहली जो मैं इंग्रेडिएंट लेने लगी हूँ, पहला हमने बनाना है फेस वॉश। फेस वॉश हमने अपने खुद से बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ मैं ले रही हूँ बेसन। आपको पता है बेसन कितना अच्छा होता है, कह लें कि बेसन जो है ना स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, ऑयल कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोगों को मैं सासत, मैं हर स्किन टाइप के हिसाब से बात करती हूँ, तो कुछ लोगों को बड़ी हैरानगी होगी कि कुछ लोगों की स्किन गर्मियों में भी जो है ना ड्राई रहती है। अब आप लोग कहेंगे ये क्या बात कर रही है, तो इंक्लूडिंग मी, इवन रमज़ान अभी गुजरे हैं तो पानी की कमी की वजह से मेजोरिटी मुझे ड्राई स्किन के मैसेज आ रहे हैं, तो वो लोग भी ज़रा सुन लें। ये देखिए मैंने इतना डाला, ये है बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन बहुत ऑयली है उनके लिए ये वाला चमचा होगा, जिनकी स्किन है ड्राई वो इससे भी कम लेंगे, ये देखें इससे भी कम लेंगे। और उसमें डाल देंगे हम दूध,
ठीक है। दूध आपको पता है बेहतरीन रंग व्हाइटनिंग के लिए होता है, और साथ साथ ये जो फेस के ऊपर जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो थोड़ा दूध ज़्यादा डालेंगे। मैं आप लोगों के सामने पेस्ट बनाती हूँ, जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो दूध कम यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से ले लिया, अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये बेहतरीन सा आपका फेस वॉश बन गया है, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लगा के भी, ये मैं मिक्स करके आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। और ये ऐसे ही आपने पतली सी लेयर बनानी है, कोई मोटा थिक सा कोई नहीं बनाना, क्योंकि हम पेस्ट नहीं लगा रहे हैं, हम इसे फेस वॉश बना रहे हैं। आपको पता है फेस वॉश ऐसे ही होता है कि फेस पे वाटरी हो और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। ये देखिए कितना वाटरी सा है, ऐसा ही आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। अब आपने लोगों ने इस तरह से इसको लेना है फेस के ऊपर, ठीक है, और इस तरह से मसाज करना है। सिंपल आप लोगों को लगे ऐसे कुछ लग नहीं रहा, पर ऐसे ही लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। मैंने दूध क्यों डाला, मेरी स्किन है ड्राई, मिसाल दिया ड्राई स्किन वालों को, लेकिन जिन लोगों की स्किन है ऑयली वो दूध कम डालेंगे बेसन ज़्यादा डालेंगे इस तरह से। तो ये मेहंदी जो है ना, ये ईद के बाद बड़ी गंदी लगती है, उतरती नहीं है, मेरी मेहंदी के निशान आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने 2 से 3 मिनट तक आप लोगों ने अपने फेस से मसाज करना है, लेते रहेंगे और लगाते रहेंगे फेस के ऊपर। यकीन करें ये व्हाइटनिंग के लिए, ये ब्राइटनिंग के लिए, स्पॉट रिमूविंग के लिए, ये वीक में 3 दफ़ा आप लोग करेंगे फेस वॉश। ये फेस वॉश आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं डेली मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। डेली आप लोगों को साथ आप इंस्टाग्राम पे आ जाए, मैं दूसरे फेस वॉश भी बताऊंगी कैसे यूज़ करना है, और डेली में अगर आप यूज़ करना चाहते तो ये कैसे यूज़ करना है। इस तरह से आप लोगों ने, क्योंकि मैं बात करती हूँ हर स्किन टाइप के ऊपर, कुछ लोग स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, ये किया वीडियो लंबी हो जाएगी। इस तरह 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आप लोगों ने इसको साफ कर लेना है, ठीक है। अभी 2 मिनट मसाज मैंने किया, 30 सेकंड भी नहीं किया, तो इतना साफ सुथरा हाथ लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आ जाते हैं हम स्क्रबिंग के ऊपर, कि स्क्रबिंग में आप लोगों ने कैसे कैसे बनाना है। तो सेकंड स्टेप आप लोगों ने करना है स्क्रबिंग, है वीक में 3 दफ़ा आप लोग कर सकते हैं। साथ साथ बार बार बोल रही स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, ये वीडियो मेरी लाजमी देखनी है, इसमें मैंने डेली केयर बताई हुई कि प्रोडक्ट्स डेली आप लोगों ने क्या यूज़ करनी है। अब जो सेकंड स्टेप है वो मैं ले रही हूँ चावलों का आटा, जिसको बोलते हैं राइस फ्लोर। और मैं बार बार कहती हूँ चावलों का आटा आप खुद बना सकते हैं, लेकिन चावलों का आटा का ये है कि उसको पहले चावलों को धोएं, सुखाएं, उसके बाद उसको पीसें, वरना तो बाहर से भी मिल जाता है। बाकी आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं मेरे से जो भी पूछना। मैं इंस्टाग्राम का नाम बार बार क्यों लेती हूँ, क्योंकि मैं मुखलिस हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग आके मुझसे डिटेल क्वेश्चन करें। लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट में ही बता दें, तो मैं वो कमेंट वाली नहीं हूँ कि कमेंट में मैं एक क्रीम बता कर चली जाऊँ, ऐसा नहीं होता। मैं पूरी स्किन देख के ही गाइड करूँगी, स्किन देखूँगी तो बताऊँगी ना प्रॉपर क्या है। मुझे सिर्फ टलाना नहीं होता आप लोगों को कि मैं कमेंट में बता दूँ ये यूज़ कर लें और बस ठीक है फारिग मेरी तरफ से ना। इतना मैंने ये ले लिया चावलों का आटा। अगेन बोल रही हूँ, जिनकी ऑयली स्किन है वो चावलों का आटा ज़्यादा ले सकते हैं, जिनकी ड्राई स्किन है वो चावलों का आटा ये हाफ स्पून लेंगे, टीस्पून से भी हाफ लेंगे, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे हनी, और ये बेहतरीन हमारा एक्सफोलिएटर बन जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। ये रहा हनी, मैं बिल्कुल ही हर चीज़ नेचुरली यूज़ करती हूँ, निकलवाती हूँ। ये देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल हनी है ये, मैं बिल्कुल नेचुरल हनी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं बिल्कुल भी फेक प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मुझे बहुत पहचान है। मैं अपने चैनल पे ओरिजिनल वर्सेस फेक भी बताती हूँ, ये मेरे फॉलोअर्स को पता है। ये बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, मैं एक दिन बैठ के ना ओरिजिनल वर्सेस फेक की सारी स्टोरी बताऊँगी कि ये मार्केट क्या होती है और मार्केट में प्रोडक्ट्स कैसे कैसे आती हैं। अब ये देखिए कि काफ़ी थिक सा पेस्ट बन गया, ये हो गया ऑयली स्किन वालों के लिए, लेकिन जिनकी है ड्राई स्किन वो थोड़ा सा और हनी लेंगे, क्योंकि हनी अल्लाह की तरफ से बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। ये अल्लाह की तरफ से कि मॉइस्चराइज करता है फेस को, लेकिन एक्नी नहीं करता, बल्कि एक्नी को या फंगस को ये ख़त्म करता है, मारता है। तो ये देखिए, ये जितनी भी चीज़ें ये एक्नी वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनकी है ड्राई स्किन, मैंने उनमें थोड़ा सा और हनी डाल दिया, वो इस तरह का पेस्ट बना के यूज़ करेंगे। वीडियो मेरी बेशक लंबी हो जाए, होने दिया करें, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती, बड़े दिल से बोल रही होती हूँ आप लोगों के लिए। ये इस तरह का स्क्रब बन गया और आप लोग इसको करेंगे स्क्रबिंग, ठीक है। 3 से 4 मिनट आप लोगों ने स्क्रब करना है। जिन लोगों को है एक्टिव एक्नी, वो बिल्कुल ही चावल का आटा कम लेंगे, वो हनी ही ज़्यादा लेंगे, और इसमें 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के मिला सकते हैं। टी ट्री ऑयल एक्नी वालों के लिए, चाहे स्कार्स हैं उनके घर में होना चाहिए। कौन सा टी ट्री ऑयल अच्छा है इंस्टाग्राम पर के पूछ लें, वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। इस तरह से 2 से 3 मिनट आप लोग मसाज करेंगे, 3 से 4 मिनट भी मसाज कर सकते हैं। ये मेहंदी तो मैं उतारूँगी, मुझे बहुत गंदी लग रही है ये, जब ये लगी होती है तो अच्छी लगती है, बाद में ये बहुत गंदी लगती है जब उतार रही होती है। इस तरह से आप लोगों ने स्क्रबिंग करनी है, उसके बाद इसको आप लोगों ने साफ़ कर लेना है, ठीक है। मैं इसको साफ़ भी कर लेती हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने क्या करना है मैंने वो भी आप लोगों को बताना है। बार बार कह रही हूँ, मेरी समर केयर वाली वीडियो, प्रोडक्ट्स वाली आप लोग लाजमी देखें, वो देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि कैसे कैसे यूज़ करना है। अच्छा, ये साफ़ नहीं हो रहा है, मैं ज़रा साफ़ करके आती हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो जी, सेकंड स्टेप मैंने शहद लगा हुआ था, इसलिए मैं साफ़ करके आई हूँ ताकि थर्ड स्टेप दिखा सकूँ।
सेकेंड स्टेप से ये होगा कि जो स्क्रबिंग है उससे आपके पोर साफ होंगे, ब्लैक हेड व्हाइट हेड थोड़े साफ होंगे और सारा जो है वो एक्सफोलिएशन हो जाएगी। लेकिन फिर पोर्स को बंद भी तो करना होता है, तो उसके लिए लास्ट में हमें मास्क लाजमी अप्लाई करना होता है। मास्क से ही होता है कि हमारी स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, ऑयल कंट्रोल होता है। तो उसके लिए जो मैं चीज़ यूज़ करने लगी हूँ, थर्ड पे हम बनाएंगे मास्क। और मास्क बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो गर्मी में यूज़ की जाती है वो है मुल्तानी मिट्टी। और मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं बाहर से खुद सब चीज़ें ये ऑर्गेनिकली पिसवाती हूँ, मैं कहीं से नहीं लेती, क्योंकि मैं आपको क्या क्या इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरियाँ सुनाऊंगी। ये है जी मुल्तानी मिट्टी, ये देखिए मैंने इतनी ले ली है, आप लोग भी इतनी ले सकते हैं। जिनकी ऑयली स्किन है वो थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, जिनकी ड्राई स्किन है वो मुल्तानी मिट्टी थोड़ी कम रखेंगे, ठीक है। ये लास्ट इंग्रेडिएंट मैं आप लोग को बता रही हूँ कि लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है। इसमें हम ऐड करेंगे बेहतरीन सी एक चीज़ है, वो है दही। योगर्ट का आपको पता है इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन के लिए बेहतरीन, एक कह लें कि लैक्टिक एसिड के से क्या फ़ायदे होते हैं, हमारी स्किन पे एक ग्लो आ जाता है, पोर्स, जैसे हम मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं समझे, पोर्स को बंद करने के लिए। तो पोर्स को बंद करते भी ये जो दही है वो उसको साफ़ कर रही है हमारी स्किन से, जैसे जो मुल्तानी मिट्टी हमारा ऑयल कंट्रोल कर रहा है, तो दही है थोड़ा सा ऑयल प्रोवाइड भी कर रही है हमारी स्किन को, कि बिल्कुल ही ड्राई स्किन ना हो जाए, बिल्कुल ही चिकनी स्किन ना हो जाए। अगर मैं योगर्ट के यहाँ फवायद बताने बैठ जाऊँ, मैंने पहले वीडियो में बहुत बताए हुए, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने मिक्स कर लेना, ये देखिए पेस्ट बना लेना है, ये देखिए मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ, ये देखिए ये कितना ज़्यादा सा बन गया। देखने में चीज़ कम लगती है लेकिन पूरी पूरी बनाया करें, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑयली स्किन वाले मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और दही को नॉर्मल क्वान्टिटी में डालेंगे। जिनकी स्किन है ड्राई वो मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा लेंगे और दही भी ले सकते हैं, वो ऐसा सा पेस्ट बनाएंगे। मेरी स्किन है थोड़ी सी ड्राई, अभी तक मेजोरिटी लोगों की स्किन ड्राई ही है रमज़ान के बाद, क्योंकि वाटर लेवल थोड़ा सा कम हुआ है। इस तरह सा ये पेस्ट आप लोगों ने, ये पेस्ट के कमालात आप जब चेक करेंगे ना, अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ ये करना कब कब है, कितनी दफ़ा मंथ में, और प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करनी है। प्रोडक्ट्स की डिटेल वीडियो है, लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ, ये लगा रहेगा जब तक हम फिर बात करेंगे इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, फिर आप लोग इसके रिजल्ट ही मुझसे शेयर कीजिएगा, बात ज़रा गौर से सुनिए। थर्ड स्टेप कम्प्लीट, इसके बाद क्या करना है बताने लगी हूँ। स्क्रीन पर जो आपको मेरा थंबनेल शो हो रहा है, ये मैं क्यों कह रही हूँ कि ये समर केयर वीडियो मेरी आप देख लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कभी भी नहीं बोलती कि जादुई चीज़ आ गई, जिठानी जलेगी तो मोहल्लेदार नहीं जलेगी, रातों रात गोरा, सब झूठ। मेरे थंबनेल पे, मेरे टाइटल पे वही चीज़ लिखी होती है जो होगी। पता नहीं थंबनेल्स पे लोग क्या लिख लेते हैं कि आप देखें सहेलियाँ शर्माएं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बेवकूफ़ बनाया हुआ है सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ लेने के लिए लोगों को, और ये देहाती लोगों को टारगेट बनाते हैं। और अब मुझे इतनी खुशी है कि मेरे इंस्टाग्राम पे गांव देहातों के लोग आते हैं, वो कहते हैं मैम अपने में अवेयरनेस दी, हम क्वेश्चंस करते हैं लोगों से, अब हमें सवाल करना आ गया। मैंने कहा बिल्कुल किया करें क्वेश्चन, कि कैसे हो सकता है दिन में गोरा रात में गोरा, वो आपकी स्किन के ऊपर लेयर उतार देते हैं, फिर 6 महीने जितनी जल्दी आप लोग को गोरे होने की होती है, फिर उतना ही लंबा एक्नी का प्रोसेस आप लोग क्रॉस करते हैं। तो मत किया करें, स्किन को गोरे होने से ज़्यादा गोरी होगी स्किन स्टेप बाय स्टेप। मेरी वीडियो देखने वाली इसमें एक एक प्रोडक्ट बताइए, वाइटनिंग की भी, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, मलाजमा वालों के लिए भी, और एक एक्नी वालों के लिए भी लाजमी देख लें, दुआएं देंगे मुझे। और ये भी बताने लगूँ ये कब कब यूज़ करना है, और वाइट से होने से ज़्यादा हेल्दी होना ज़रूरी है। स्किन क्यों, कैसे कहते हैं कि बॉडी का कमज़ोर हो या मोटे हो, सच्चा हेल्दी होना ज़रूरी है। स्किन का भी हेल्दी होगी तो मेकअप स्टे करेगा, ग्लो आएगा। लोग कहते हैं हम इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं हमें ग्लो नहीं आता मैम, हमें सूट नहीं करती। स्किन हेल्दी नहीं होती, अक्सर प्रोडक्ट सही होती है, आपकी स्किन ख़राब होती है। आए इंस्टाग्राम पे बताऊंगी स्किन कैसे हेल्दी करनी है। अब इस फेशियल को या ये 3 स्टेप्स को आप वीक में 3 दफ़ा फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मैंने वीडियो में भी बताया कि क्ले पाउडर्स कितने ज़रूरी होते हैं हमारी स्किन के लिए। इन क्ले पाउडर्स के अलावा काओलिन क्ले, बेंटोनाइट क्ले, नीम पाउडर, गर्मियों में इनसे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती। लेकिन मार्केट में इनमें कुछ रेत या केमिकल्स मिलाए जाते हैं, वो आप मुझसे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा, मैं खुद पिसवाती हूँ। तो वो मेरी वीडियो लाजमी देख लें, वीक में 3 दफ़ा यूज़ करें, ग्लो आएगा स्किन पे, पोर मिनिमाइज होंगे, मेकअप स्टे करेगा आप लोगों का, आपकी स्किन इवन होना शुरू हो जाएगी इसके साथ। और साफ साफ बता रही हूँ, झूठी बोलूंगी, प्रोडक्ट्स के साथ जो दिखाएं, तो इनको लाजमी फॉलो करें इस वीडियो। अच्छा थोड़ा सा मैं वीडियो के बीच में एडिशनल बात करने के चक्कर में थोड़ा सा भूल गई कि इसको साफ करने के बाद आप लोगों ने सिंपल गुलाब का अर्क लेना है स्प्रे, और खूब उसका स्प्रे करना है, और उसके बाद स्प्रे का भी 2 मिनट मसाज कर लेना आप लोगों ने। ये आप लोगों ने लास्ट स्टेप करना है। तो ये थी डिटेल वीडियो मेरी कि कैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट्स के साथ और इसको वीक में 3 दफ़ा यूज़ करके इतनी ग्लोइंग स्किन आपकी समर में हो जाएगी। मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती इतनी ग्लोइंग स्किन आप लोगों की हो जाएगी। तो ऐसी डिटेल ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कीजिए, स्किन टाइप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।